नमस्कार प्यारे विद्यार्थी और बीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत और फिर से अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं विशेषण। विशेषण को मैं करवा चुकी हूँ आपसे, यानी विशेषण हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएँ। विशेषण की अवस्थाएँ, यहाँ से आपके प्रश्न बनता है। अगर आप प्रश्नों को देखें, अगर आप पिछली लास्ट ईयर के एग्जाम पेपरों को अगर आप पढ़ते हो या देखते हो तो आप देख सकते हो कि बारीकियों से प्रश्न दिया जाता है। 2018 के आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना था आपके। तो हम देखते हैं विशेषणों की अवस्थाएँ। देखिए विशेषण क्या हो, विशेषण किसी वस्तु प्राणी स्थान आदि के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, विशेषण कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी व्यक्ति प्राणी स्थान आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये जो विशेषता होती है किसी में अधिक होती है या किसी में कम होती है, यानी जरूरी नहीं कि सभी में ये विशेषताएं समान रूप से हो, किसी में कम होती है ये विशेषता, किसी में अधिक होती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या तो सबसे कम होती है या सबसे अधिक होती है। तो ये जो विशेषता होती है, कम या अधिक का जो आंकड़ा होता है, इसी को हम अवस्थाओं में बांटते हैं, यानी विशेषण की अवस्थाएं। तो यानी जो सबसे कम होगी वो सबसे कम में आएगा, जो सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक में आएगा। तो हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं, यानी हम देखते हैं विशेषण की प्रमुखता आपके तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। देखिए मैं अब आपको बता रही थी किसी विशेषण, विशेषण मैंने बताया, विशेषण किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान आदि की विशेषताएं, आदि की विशेषता, आदि की विशेषता बताने वाले प्रमुख शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये हम परिभाषा में पहले भी देख चुके हैं, विशेषण कहते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ ये विशेषता किसी में, किसी भी व्यक्ति प्राणी में या तो अधिक होती है या कम होती है। तो देखते हैं ये विशेषताएं, ये विशेषताएं किसी भी प्राणी वस्तु व्यक्ति व्यक्ति में समान रूप से ना होकर, व्यक्ति में समान रूप से ना होकर किसी में कम या किसी में अधिक होती है, किसी में अधिक होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं किसी में सबसे कम, किसी में सबसे कम या किसी में
किसी में सबसे अधिक होती है, किसी में सबसे अधिक होती है। इसी आधार पर, इन अवस्थाओं के आधार पर ही, इस अवस्थाओं के आधार पर ही इसका इनका विभाजन किया गया है। इसके आधार पर ही इनका इन इन कम या अधिक के आधार पर ही इनका विभाजन किया जाता है, इनका विभाजन किया जाता है। तो इनको कितने प्रकार के, ये इनको विभाजन किया जाता है, इनको अवस्थाओं में बांटा जाता है। तो इनका विभाजन किसमें किया जाता है, अवस्थाओं में किया जाता है। इन विभाजन को प्रमुखता तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यानी आप देखोगे कि जो ये विभाजन है, ये आपकी तीन अवस्थाओं में किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं विशेषण की प्रमुख अवस्थाएं, यानी कह सकते हैं हम हेडिंग जो डालेंगे विशेषण की, आपकी प्रमुख विशेषताएं, विशेषण शब्दों विशेषण शब्दों की प्रमुख तीन अवस्थाएं भाई कौन कौन सी हैं ये तीन अवस्थाएं, देखते हैं हम। विशेषण की प्रमुखता, हम इन विभाजनों को ही प्रमुखता तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है। यानी ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन विभाजन को ही निम्नतः तीन भागों में तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। इन विभाजन को निम्नतः तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी होती हैं वो तीन अवस्थाएं, देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं विशेषणों की तुलनात्मकता के आधार पर
अवस्थाएं तुलनात्मकता के आधार पर अवस्थाएं। भाई कौन कौन सी होती है ये अवस्थाएं देखते हैं। तुलनात्मकता के आधार पर इसकी अवस्थाएं ये आपके कौन कौन सी होती है, ये तीन प्रकार की मानी गई हैं। कौन सी हैं तीन प्रकार की? नंबर एक होती है आपकी मूलावस्था, मूलावस्था। नंबर दो होती है आपके उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और नंबर तीन होती है उत्तमा, उत्तमा अवस्था। यानी मूल अवस्था में आपके विशेषण की मूल धातु आती है और उत्तरावस्था में आपके दो के साथ जब हम तुलना करते हैं तो उत्तरावस्था में वो चीज आएगी। लेकिन उत्तमा अवस्था में क्या होती है, दो या दो से अधिक की तुलना की जाती है। दोबारा सुनिए, मूल अवस्था में किसी की भी तुलना नहीं की जाती, केवल और केवल आपकी आपकी एक अवस्था आती है मूल अवस्था। लेकिन उत्तरावस्था में दो के साथ आपकी तुलना की जाती है तो दो में से आपको किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन उत्तमावस्था में हम आपके दो में से नहीं, आपके सभी में से श्रेष्ठ को मानते हैं। यानी दो से अधिक में से यदि कोई व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, उसको हम दो से अधिक में से सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो देखते हैं हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपके उत्तमा अवस्था। तो नंबर एक चलते हैं सबसे पहले आपके मूलावस्था। नंबर एक, मूला अवस्था। मूला अवस्था देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें किसी की भी तुलना नहीं की जाती। किसी भी एक ही वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही स्थान के बारे में हम बताते हैं। यानी विशेष्य यानी संज्ञा के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। किसी एक ही प्राणी, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, किसी एक ही प्राणी, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति की सामान्य विशेषता जहां होगी वह विशेषण की, वह विशेषण की, वह विशेषण की मूलावस्था होती है। यानी यहाँ पर हम किसी भी के लिए तुलना नहीं कर रहे, किसी एक के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, विशेषण की आपकी मूलावस्था होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विशेष्य कोष्ठक में आपकी संज्ञा की सामान्य चर्चा प्रकट करना, सामान्य चर्चा प्रकट करना क्या कहलाती है, आपकी मूलावस्था होती है। मूलावस्था होती है जैसे जैसे सुंदर जैसे
सुंदर। जैसे सुंदर, अच्छा, घनिष्ठ, कुशल, बुरा। हम ये नहीं कह रहे कि हम विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हमने बोला सब कम या अधिक, तो इसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन केवल एक के बारे में ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी मूल अवस्था होती है, ये क्या होती है, आपकी मूल अवस्था होती है। तो देखते हैं हम, कुशल, सुंदर, अच्छा, घनिष्ठ, कुशल या बुरा, तो ये किसको हुई, विशेषण की आपकी मूल अवस्था हुई। चलिए इसको हम उदाहरणों में देखते हैं। जैसे उदाहरण, राहुल, या कह सकते हैं सत्यम, अच्छा अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ पर केवल सत्यम की ही बात हो रही है, यानी सत्यम क्या है, अच्छा खिलाड़ी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूल अवस्था। अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सी अवस्था है, तो किसी हम एक के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। सत्यम क्या है यहाँ पर आपके पास, सत्यम यहाँ पर संज्ञा है, सत्यम क्या है यहाँ पर संज्ञा है। तो अच्छा क्या है यहाँ पर, विशेषता बता रहे हैं, कौन सी विशेषता बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण बता रहे हैं यहाँ पर, यानी खिलाड़ी क्या है, गुणवाचक है, यानी विशेषता क्या है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण आ गया। तो यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं केवल एक की बात है, तुलना नहीं की जा रही। आगे देखते हैं, मोदी जी कुशल वक्ता है, कुशल वक्ता है। जैसे कि मैंने बताया संज्ञा, अब संज्ञा क्या है आपके पास, विशेष्य है, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हो क्या होता है, आपके विशेष्य होते हैं। तो ये क्या है, ये संज्ञा, मोदी जी क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, विशेष्य के नाम से, वे विशेष्य है। विशेषता क्या है, ये क्या है, विशेषता है। कुशल क्या है, विशेषता है, कुशल क्या है, विशेषता है, ये भी आपकी क्या है, विशेषता है। कौन सी विशेषता है, गुणवाचक विशेषता है, ये भी विशेषता है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक की ही चर्चा हो रही है। आगे देखते हैं, महिमा, सुंदर, लड़की है, महिमा सुंदर लड़की है। यहाँ पर भी एक के बारे में ही चर्चा है, तो कौन सी अवस्था होगी यहाँ पे, मूल अवस्था। यानी सभी वाक्यों में आप गौर से देखोगे तो आपके मूल अवस्था ही आ रही है। आगे चलते हैं हम उत्तरावस्था की तरफ, उत्तरावस्था। देखिए मूल अवस्था में क्या था, केवल एक के ही बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम दो प्राणी, दो वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, दो वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान आदि की तुलना के आधार पर श्रेष्ठ या निकृष्ट या निकृष्ट
निकृष्ट बताना, निकृष्ट बताना ही उत्तरावस्था होती है, यानी दो के मध्य। यहाँ किसके मध्य? दो के मध्य। तो किसी भी व्यक्ति प्राणी स्थान की जब हम चर्चा कर रहे हैं, दो के में आपके कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? आपकी उत्तर अवस्था होगी। इसमें आपके गौर करें तो आप देखोगे कि जो पहचान होती है, इसमें पहचान में आपके तर प्रत्यय का, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं दो विशेष्यों के मध्य, दो विशेष्यों के मध्य, दो विशेष्य, दो विशेष्य। अब विशेष्य क्या है आपके? दो विशेष्यों के मध्य, दो विशेष्यों के मध्य आपके आपस में, मध्य आपस में तुलना करना ही, आपस में तुलना करना ही तुलना करके किसी एक को, किसी एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट, निकृष्ट प्रकट करना, निकृष्ट प्रकट करना ही उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले दो प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तुलना के आधार पर किसी एक को श्रेष्ठ बताना, यानी दो विशेष्यों यानी संज्ञा के मध्य। यहाँ पर आपके किसका प्रयोग हो रहा है? तर प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे सत्यम, सत्यम नित्यम से, सत्यम नित्यम से, सत्यम नित्यम से अच्छा खिलाड़ी है। पहले तो हम चर्चा कर रहे थे सत्यम के बारे में कि सत्यम क्या है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ आपके तुलना करने के लिए नित्यम को भी दे दिया। तो सत्यम और नित्यम के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, तो सत्यम क्या है? अच्छा, नित्यम से अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा देखते हैं हम, मोदी जी राहुल गांधी से कुशलतर
कुशल तर वक्ता कुशलतर वक्ता है। तो आपके यहाँ पर क्या आएगा, राहुल मोदी जी, राहुल गांधी से क्या है, कुशलतर वक्ता है। तो यहाँ पर भी आपके क्या आएगा, मैंने बताया मूल अवस्था में आपके तर प्रत्यय आएगा। तो यहाँ आप गौर कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपके तर प्रत्यय लगा है मूल अवस्था में, यानी मूल धातु में हमने क्या लगाया है, तर प्रत्यय। आगे देखते हैं, महिमा महिमा राधिका से, राधिका से अधिक, से अधिक सुंदर है, राधिका से अधिक सुंदर तक है। तो यहाँ पर क्या आएगी आपके, या फिर हम कह सकते हैं अगर मैं अधिक को हटा दूं यहाँ से, तो आपके राधिका महिमा राधिका से सुंदरता है। तो ये आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर हम दो के मध्य तुलना कर रहे हैं, तो अवस्था कौन सी हुई यहाँ पर आपके, उत्तरा अवस्था। आगे चलते हैं हम उत्तमा अवस्था की तरफ। तो आगे आएगा हमारा उत्तरा अवस्था, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तु स्थान प्राणी की आपस में तुलना की जाती है। यानी पहले क्या था, दो के मध्य थी, अब क्या है, अधिक में है, दो से भी अधिक। तो हमारे यहाँ पर क्या होगी, उत्तमा अवस्था होगी, या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विशेष्यों विशेष्यों की आपस में तुलना कर किसी एक को श्रेष्ठ या किसी एक को श्रेष्ठ या कम बताया जाता है, एक को श्रेष्ठ या कम बताया जाता है। या फिर यहाँ, या फिर आके यहाँ पहचान में मूल धातु के साथ आपका त
तम प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? तम प्रत्यय लगता है। तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप गौर से अगर देखोगे तो यहाँ दिख रहा है आपको तम, यहाँ दिख रहा है आपको तम, तो तम यानी आपके तम प्रत्यय होना ही चाहिए, या कह सकते सबसे अधिक या सबसे कम, तो यहाँ पर आपके क्या होगा, प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे देखते हैं जैसे सत्यम सत्यम सबसे सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो यहाँ सबसे जहाँ आ गया तो सबसे अधिक के, यहाँ हम कह सकते हैं श्रेष्ठतम, तो यहाँ श्रेष्ठ सबसे, अगर सबसे लग गया तो यहाँ श्रेष्ठ ही आएगा। याद रखना, अगर मैं लगाती हूँ इसी को, इसी वाक्य को मैं दूसरी तरह लिखती हूँ आपके, सत्यम श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम खिलाड़ी है। अगर सबसे लगाएंगे तो केवल आपकी मूल धातु जाएगी यानी श्रेष्ठ, अगर मैंने सबसे हटा दिया तो मैंने लिखा सत्यम श्रेष्ठतम खिलाड़ी, तो जहाँ पे आपके श्रेष्ठतम का अर्थ है सबसे तुलना की गई है यहाँ पर, तो ये दोनों वाक्य आपके एक ही प्रकार से आएंगे। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, मोदी जी कुशलतम 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 वक्ता हैं। मोदी जी कुशलतम वक्ता हैं, तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी अवस्था है, उत्तम अवस्था। सेकंड थर्ड देखते हैं हम, महिमा सुंदरतम सबसे सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। याद रखना, जब सबसे सुंदर आएगा तो केवल मूल धातु, और यदि तम आ गया तो आपके उसमें आपके सबसे नहीं लगेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था आपके आरपीएससी 2018 में सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन था कि वह छात्र कक्षा में सबसे होशियार है, तो इसमें कौन सी अवस्था होगी, तो यहाँ पर आपके वह छात्र कक्षा में सबसे होशियार है, तो यहाँ सबसे यानी सबसे तुलना की गई है, तो कौन सी अवस्था आएगी यहाँ पर, उत्तमा अवस्था, यानी सबसे कम या सबसे अधिक, जहाँ पर दो या दो से अधिक से के बारे में जब तुलना की जाती है तो उत्तमा अवस्था, जब दो के मध्य तुलना की जाती है तो उत्तर अवस्था, जब किसी एक की ही चर्चा की जा रही है उसी को कम या अधिक आंका जा रहा है तो आपके मूलावस्था होगी। तो यहाँ से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने हम पढ़ा था, विशेषण यहाँ पे अवस्थाओं में से प्रश्न आते ही हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और देखना। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।